आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस मसाले के बारे में, हमें भी हमारे पूर्वजों ने, दादी माँ, नानी माँ जो हमें सिखलाया है, वो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग गरम मसाला में यूज करते हैं। ये हो गया आपका जावित्री, ये मेथी पत्ता, ये जाफर हो गया, ये गुलाब का पत्ता हो गया, ये हो गया बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, कबाब चीनी, स्टार फूल हो गया, सहजीरा हो गया, ये आपका दालचीनी। ये तो हो गया सारा गरम मसाला वाला बनाने का सारा मसाला। एक बात याद रखिएगा, खास बात ये है कि ये सब मसाले हमने अलग कर लिए हैं, इसको आप भिंगो के सूखा भी सकते हैं, लेकिन ये जो मसाले हैं, पत्ती वगैरह जो हैं, इसको आप भिगो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भीगता नहीं है, भीगने से ख़राब हो जाता है। ये आपका हो गया मेथी पत्ता, कश्मीरी मेथी पत्ता हो गया, ये जावित्री हो गया, ये गुलाब पत्ता हो गया, ये जाफर हो गया, इसको भिगाने से ख़राब हो जाता है। अगर इसमें अगर हल्का नमी या फिर सिमसिमा या कुछ लगा हुआ है तो आप धूप में सुखा सकते हैं, बाकी इसको भिगा नहीं सकते। चलिए अब हम मसाले को साफ करते हैं, जो भी गंदगी है उसको हटा लेंगे या गंदा सड़ा है उसको हम छाट देंगे। अभी जो ये डस्ट निकला उसको हम हटा देंगे। ये दालचीनी हो गया, इसमें से तो डस्ट निकालते हैं हम लोग, लेकिन जो ख़राब है उसको भी हटा देते हैं। ऐसे कोई मसाला मिल जाता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा मसाला हम लोग मिला के ही पीसते हैं। ये इलायची हो गया, ये ख़ास तौर पे इसको ध्यान देना है कि हम लोग अगर कई बाज़ार से भी लेते हैं कई बार, तो ये अंदर से खोखर रहता है, बिल्कुल मरा हुआ, इसमें दाना ही नहीं रहता, लेकिन हम लोग हाई क्वालिटी के अच्छा वाला इलायची यूज करते हैं। ये जो हमारी इलायची है, आप इसमें से कोई दाना भी उठाइए, इसमें सारा सारा दम भरा हुआ मिलेगा। आप बाज़ार से लीजिएगा, ऐसा तो मिलेगा नहीं, ये हम लोग हाई क्वालिटी के मंगाते हैं, क्योंकि मसाला अच्छा बने। देखिए ये लौंग है, इसको भी हम लोग हाई क्वालिटी के ख़रीदते हैं, क्योंकि इसमें अगर फूल ना हो तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि फूल नहीं है तो अच्छा मसाला नहीं बनेगा। ये हम लोग अच्छे से देख के इसको पसंद करके लेते हैं, क्योंकि मसाला अच्छा होना चाहिए। अब ये गरम मसाला के सारा मसाला हम लोग छाँट लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, कोई ख़राब नहीं है। ये हमारा अन्य मसाला है, जो मीट मसाला, मटन मसाला, सब्जी मसाला सब यूज करते हैं हम लोग, पनीर मसाला। ये इसको अच्छी तरह से हम लोग साफ़ कर लेते हैं, चुन लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं, चाल लेते हैं सब कुछ, फिर हम लोग इसका पाउडर बना लेते हैं। ये हमारा गोलकी हो गया, ये जीरा हो गया, जो हम लोग देखिए जीरा भी हमारा साफ़ है, हम लोग अच्छा क्वालिटी के यूज करते हैं, क्योंकि मसाला हम लोग का अच्छा होना चाहिए। ये हल्दी है, हल्दी भी हम लोग अच्छी तरह देख लेते हैं कि कहीं इसमें कीड़ा उड़ा तो नहीं लगा हुआ है। देखिए हमारी हल्दी भी थोड़ा बड़ा बड़ा है। ये धनिया हो गया, धनिया भी हमारा देखिए अच्छा है, साफ है। ये लाल मिर्च है, जो हम लोग घर में, सबके घर में सब यूज ही होता है, ये भी देखिए हमारा अच्छा है।
बिल्कुल साफ सुथरा, डंटी भी नहीं है। आप बाजार से मसाला लीजिएगा, उसमें सारा डंटी वगैरह अलग से भी कुछ डाल के पीस देता है, आप नहीं जानते होंगे, देखने भी नहीं जाते, लेकिन हमारा मसाला बिल्कुल साफ होता है। ये जो हमारा मसाला था गरम मसाला, ये हम लोग अभी इसको पानी में डालेंगे। इसको थोड़ा हिला लेंगे, क्योंकि इसमें जो हम लोग इसको साफ़ किए थे, चाले वगैरह थे, तो उसमें से डस्ट तो निकल गया था, लेकिन कुछ अगर जो मिट्टी वगैरह हो जो इसमें लगा हुआ होगा वो पानी में अंदर बैठ जाएगा। और इसको हम लोग अभी एक घंटा तक इसमें डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो इलायची वगैरह जो भी हमारा मसाला है उसमें भीगने से ये अंदर वाला जो है पौष्टिक वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भीगने से ज़्यादा हमारे लिए सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मसाला है हम लोग इसको नहीं भिगाना है, इसको थोड़ा सा भी नहीं भिगाना, क्योंकि ये भीगने से ख़राब हो जाता है। ये मसाले को फुलाते हुए हमारा एक घंटा पूरा हो चुका है, अब इसको हम लोग हिला के अच्छी तरह इसे छान लेते हैं। अब हम मसाला उबालने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग छलनी के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीरा छानने में बहुत दिक्कत होता है, छलनी डाल देते हैं, क्योंकि छलनी ही उतार ली है। अब इतना फर्क है, चलिए अब 2 मिनट हो गया है, अब इसको निकालते हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम लोग इस बर्तन में रख लिए। अब ये जो सारा मसाला है हमारा है, इसको भी इसी तरह हम लोग कढ़ाई में डाल के उबाल लेंगे। ये जो मसाला हमारा भीग गया है, इसको हम लोग बॉइल किए हैं। अब इस मसाला को हमारे पास एक ओवन है, उसमें हम इसको अच्छी तरह सुखा लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पीस लेंगे। ये हमारा ओवन है, इसको चालू करते हैं, फैन भी ऑन कर दिए ताकि जल्दी सूख जाए। ये हमारे पास बड़ा ओवन है, घर में सबके पास छोटा ओवन होता है, लेकिन हमारा काम बड़ा है ना, इसलिए हम लोग बड़ा ओवन यूज करते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल रहा है, ये इसको 90 डिग्री पे हम लोग सेट कर देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। किसी के पास घर में ओवन नहीं भी होता है तो वो कढ़ाई में इस काम को कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, क्योंकि सबके पास ओवन ज़रूरी नहीं ना है। अभी हमने मसाला का ओवन में डाल दिया है, ये हमने सेट भी कर दिया है इसको 90 डिग्री पर। ये जब तक ये मसाला पूरी तरह अच्छे से अंदर तक सूख ना जाए, तब तक ये मशीन अपने आप जब सूख जाएगा तो अपने आप ये मशीन कट जाता, बंद हो जाता है। अच्छी तरह सूख जाएगा फिर ये अपने आप बंद हो जाएगा, इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारा मशीन अब बंद हो गया है, लगता है हमारा मसाला सूख गया है। अब इसको एक कपड़ा ले लेते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो मसाला हम लोग डाले थे ट्रे में वो गर्म होगा।
इस मसाला को निकाल लिए हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे मसालों को ट्रे में डाल के इसके अंदर हम सुखा लेते हैं। धनिया हो, गोलकी हो, जीरा हो, जो भी हो, सारा मसाला हम लोग इसी तरह से सुखा लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से सूख गया है बिल्कुल। ये हमारा मसाला है, इसको ना हम लोग भिंगाए हैं ना उबाले हैं। ये पत्ता वाला मसाला हुआ हम लोग को। ये मसाला हम लोग इस मसाले से मिक्स कर देते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया, मिक्स हो गया। अभी ये हमारे कारीगर हैं जो इस मसाले को पीसेंगे। ये मसाला गरम मसाला जो हम लोग को देखिए पीस के तैयार हो चुका है। अब ये जाएगा पैकिंग होने के लिए। ये हमारा संपूर्ण मसाला का पाउडर है जो हमने इस मशीन में डाला है। इस मशीन में मिक्स हो जाएगा और ये मटन मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला भी इसी तरह डाल के हम लोग मिक्स कर लेते हैं और इस पैकेट में हम लोग पैक कर लेते हैं। इस मसाला को आप अगर घर में यूज करते हैं तो डालते हैं, तो इसमें अलग से कोई मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप तेल डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, तीखा के लिए हरा मिर्च डाल सकते हैं। अभी आपने देखा कि जितने गर्दा कचरा जितना जो था हमने सब निकाल कर इसको मशीन में हमने अभी डालेंगे और किस तरह से तेल निकाला जाता है उसको आपको हम दिखाते हैं।
हर डब्बे पे अलग अलग डेट पड़ा हुआ होता है, जो कि 15 दिन तक इसी तरह से तेल को हम रखते हैं। रखने के बाद ये होता क्या है कि इसके अंदर का जो भी गाद है वो जब टोटल नीचे की ओर बैठ जाता है, तो इस तेल को हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं, चूंकि ये गाद मिला हुआ है। अभी हम दिखाते हैं कि 15 दिन पहले जो तेल हमने डाला था वो किस तरीके का कलर तेल हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका गाद टोटल नीचे की ओर बैठ चुका है और इसका तेल का कलर भी अलग है। ये है तेल का कलर जो आप देख रहे हैं कि आमतौर में जो बाजार में जो तेल होता है उससे ये कई भिन्न है। ये गाढ़ा तेल होता है और इस तेल से बनने के बाद मतलब कोई भी कढ़ाई में भी नहीं चिपकता है और बहुत ही जल्दी इसे कोई भी पकवान बनाएंगे तो बहुत जल्दी सुपाच्य होगा।